देखिए फिल्म 9 o'clock बड़ा अनयूजुअल सा टाइटल है। अब सवाल यह है कि 9 o'clock क्यों रखा गया, 9 ऐसे इसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, 9 to 6, 6 to 9 मतलब 24/7। ओके, ये जो ट्रेलर है जो टीज़र है ये एक बड़ी कमाल की फिल्म है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द नक्सलाइट मूवमेंट, नक्सलाइट जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद जो है 1967, और ये एक वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव था नक्सलबाड़ी, वहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो मूवमेंट थी उसमें जो रिबेल थे, जो विद्रोही थे, वो विद द कॉज थे, लेकिन इसमें जो लोग हैं, जो करेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ नसीम का, वो उसका कोई कॉज नहीं है। ही इज़ नॉट ए रिबेल, रिबेल विदाउट कॉज, उसका कोई कॉज नहीं है। उसका सिर्फ यही कॉज है कि आज की जनरेशन को आप किस तरह से नशे में, किस तरह से आज की जनरेशन को आप ख़राब करते जाओ, उससे क्या है कि देश की जो जड़ें हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि जड़ों में किसी ने एसिड डाल दिया है। ये नसीम का करेक्टर ही ऐसा है। आतंकवाद है, आतंकवाद की जो तारें हैं जगह जगह आपस में सबके साथ जुड़ी हुई हैं, और इसके ऊपर आई मस्ट से द क्रेडिट गोज़ टू द क्रिएटिव टीम। ही इज़ आर प्रोड्यूसर मिस्टर गौरव शंकर, एंड ये एक बड़े अच्छे बुद्धिजीवी हैं जिनकी एक अपना अखबार चलती है जानभाष, लखनऊ से हैं, और इनका बहुत मुद्दत से मन था कि एक बनाए ऐसी फिल्म जो कि कहीं किसी ना किसी को झंझोड़ दें। और मेरे ख्याल से इन्होंने एक बहुत ही काबिल डायरेक्टर को, जो कि थिएटर से डायरेक्टर हैं, इनका नाम है अमृत ठाकुर, और इन्होंने इनको लिया। अब थोड़ा सा इनसे पूछते हैं कि मैं इस फिल्म में क्यों हूँ। आप एक बात तो बताएं जी सर,